Awesome, दोस्तों, वेलकम टू एट अनदर हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल। और आज हमारे साथ में है द वेरी स्पेशल गेस्ट फ्रॉम बीजापुर एंड उनका नाम है वीरेश बसवराज। ही इज लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट प्लस कोच फॉर कन्नड़ा लैंग्वेज, राइट? कन्नड़ा में करते हैं एंड ही इज ऑलरेडी हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सिंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। प्लस मैं आपको उनकी स्टोरी बताने वाला हूँ कि आफ्टर कमिंग टू इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल, सो हाउ एग्जैक्टली ही हैज हिट मोर देन 14 लाख। उनके कुछ कॉस्ट पर लीड्स एंड ऑल दैट इज अमेजिंग एक्चुअली, बिलो 10 रुपीज, इट्स 7, 10, 5 रुपीज, अभी डिस्कस किया 4 रुपीज बोल रहे थे फॉर वेबिनार्स और फॉर कंसल्टिंग प्रोग्राम्स। तो बेसिकली आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जर्नी बताने वाला हूँ, मैं इनका ब्रेन भी लेने वाला हूँ, इन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए या फिर कुछ लर्निंग्स है जो आप सीख सकते हैं सीधा थ्रू दिस डिस्कशन। तो दोस्तों प्लीज वॉच दिस 100% विथ योर दिस ऑल टूगेदर, लेट्स वेलकम वीरेश बसवराज to the Internet Traffic Gurukul Super Achievers Award that we celebrate together actually. So Vireesh ji, thoda sa background batao hame ki aap kahan se hai, kya karte hai, aapne journey kya chalu kiya hai, since how you are doing, aapka purpose kya hai and your results. Let's go. Thank you, Rataji. Thank you so much for inviting me for this awesome interview. Yes. So basically, main ek mechanical background se hoon. Mechanical engineering maine complete kiya hua hai. Uske baad mein मेरा कैंपस सिलेक्शन होके मैं एक टायर इंडस्ट्री में अपना काम शुरू किया था एज अ बिजनेस कंसल्टेंट कमर्शियल व्हीकल रेडियल्स। सो वहाँ पे काम करते करते जैसे हर किसी की जिंदगी चलती है, जैसे जिंदगी लेके जा रही है वैसे हमें भी जाना पड़ता है। ये सिर्फ तब तक पॉसिबल है जब तक हमें पता नहीं है हमें क्या करना है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे 11-12 साल के करियर के टाइम में मुझे ये पता चल गया कि दिस इज नॉट माई ट्रू कॉलिंग। मेरा जब मैं जॉब छोड़ रहा था तब मेरा सैलरी लगभग 1 लाख रुपए था पर मंथ, और इंडिया में उस वक्त मेरा बेटे का एज था सिर्फ 9 मंथ्स। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई जॉब छोड़ना चाहता है तो इंडिया में कोई भी हो उसे पागली कहेगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके चलूंगा अब से तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो रहा है। अब वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है लेकिन इंडिया में ग्रो होने के लिए बहुत सारा स्कोप है। डिमांड इतना ज्यादा है कि सप्लाई बहुत कम है। अभी रिसेंटली मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा था, उससे पहले थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने। 2020 में 14 बिलियन का इसमें पूरा का पूरा बिजनेस, हाँ 14 बिलियन का इंडस्ट्री था। अब 2015 के मुकाबले ये 47 बिलियन क्रॉस कर चुका है। अब 2024 के अंदर ये कम से कम 500 बिलियन से ज्यादा बड़ा होने वाला। सुपर्ब। ये आंकड़े हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर का, देन एनीबडी हु स्टार्ट्स नाउ, अगर आज के डेट में कोई भी चालू करता है डिजिटल मार्केटिंग सीखना या उसमें अपना बिजनेस को बढ़ाना, तो definitely they can skyrocket. Okay. And Vireesh जी, बताना चाहता हूँ मैं कि फिर सीधा हम लोग अभी जो viewers है, दोस्तों please watch this 100%. मैं सीधा deep में जाने वाला कुछ strategies. It's not about technical strategy only. लेकिन आपके entrepreneur skills, आपके marketing skills, आपके sales skills, आपके decision लेने के skills भी बहुत matter करते हैं. Understand? ना तो गली गली में digital marketers है, हर कोई पैसा कमा रहे क्या? नहीं, ओके, उसका नहीं, यस भी और नहीं भी है। लेकिन वीरेश जी, बिफोर इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल एफडीपी चैलेंज, आप क्या करते थे, क्या-क्या, हाउ योर बिजनेस गोइंग ऑन, और आफ्टर जॉइनिंग और बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल जो कम्युनिटी है हमारा अपना, वी आर टुगेदर, राइट? सो क्या एग्जैक्टली बिफोर क्या क्या मिसिंग था, आफ्टर व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन हैज डन, व्हाट आर योर प्रोडक्ट सर्विसेज, क्या क्या आपके, हाउ मच यू रेवेन्यू यू हैव डन, हाउ डू यू गेट कस्टमर, थोड़ा बता सकते हैं हमें? लेट्स गो अहेड। ओके, मैंने शुरुआत में एक बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कोर्स किया क्योंकि मैं उसको अफोर्ड कर सकता था। ओके, मैं एक वेल पेड जॉब में था और मुझे लगा कि अगर मुझे सीखना है तो एक इंटरनेशनल लेवल पे सीखना है, वो सोच के मैंने शुरू किया। सीखने के बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया। वो लर्निंग्स डेफिनेटली इनडेप्थ बहुत है लेकिन इंडियन मार्केट के हिसाब से वो अप्लाई नहीं होता है, और इसके चलते मैंने जब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, ओके, हर स्ट्रेटजी जो वहाँ पे बताया गया है वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला, तो इंडियन कस्टमर्स के लिए, इंडियन बिजनेस ओनर्स के लिए कुछ और चाहिए होगा, इसका माइंडसेट ही अलग है, ये गेम प्लान ही अलग है। तो ये समझने के बाद मैंने शुरू किया कि ओके, आपके
एफडीपी चैलेंज लिया मैंने लगभग 10-11 महीने पहले। तो वहां से जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे ओके इंडियन मार्केट कैसे काम करता है, आपने जो एड रन किया था इतना कस्टमर्स आएंगे तो की संभाल नहीं पाओगे। सो दैट्स द वन दैट हिट मी एंड देन आई स्टार्टेड। तो सिखाने का तरीका एक छोटे छोटे सेक्शन में है जो इम्प्लीमेंटेबल है आपके कोर्स में, जिसकी वजह से मैं इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस करने लगा। तो उससे पहले मेरे दिमाग में बहुत कुछ रहता था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता था। तो ये हर किसी का प्रॉब्लम होता है, चाहे वो बिजनेस एब्सोल्युटली होता है, टू मच नॉलेज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट। हाँ, तो छोटे छोटे चंक्स में जब इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज मिलना शुरू होता है तो एक स्टेप लो उसको करो। मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करता गया, एक दिन एक लेसन एक स्ट्रेटजी खत्म खत्म सुपर। तो जो जो पहले मैं 2 साल में नहीं कर पाया था वो 6 महीने में कर पाया उसके बाद। सुपर सुपर, उसके चलते मेरा बिजनेस फाइन ट्यून होने लगा एंड आई स्टार्टेड जनरेटिंग रिजल्ट्स फॉर माय सेल्फ एंड फॉर माय क्लाइंट्स आल्सो। दिस हैज गिवन मी एज और अदर डिजिटल मार्केटर्स। सुपर, एंड कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया उसके चलते। सुपर, आप थोड़ा बता सकते हैं मुझे कि आप हाउ एग्जैक्टली लाइक आपके कॉस्ट पर लीड कितना है, आप हाउ मच रेवेन्यू यू हैव डन बेसिकली थ्रू द डिजिटल कोचिंग या सर्विसेज, थोड़ा सा बता सकते हैं हमें? तो आई थिंक इट्स व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट, नंबर्स मैटर्स, हाउ मच यू स्पेंड, कॉस्ट पर लीड कितना है एंड एग्जैक्टली हाउ मच रेवेन्यू यू हैव डन इन द लास्ट 6 मंथ और 9 मंथ बिफोर आफ्टर जॉइनिंग कम्युनिटी। अच्छा, आफ्टर जॉइनिंग कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 10 महीने में मैंने करीब 14 से 16 लाख किया रहूंगा, एग्जैक्ट नंबर्स तो 14 लाख प्लस पकड़ लो। क्योंकि 4,000 रुपए में मुझे 600 लीड तक मैं जनरेट कर लेता था, मेरा कॉस्ट पर लीड था 3 रुपए, 3 रुपए 4 रुपए। यस, सो मैं उन लोगों को मदद करना चाहता हूँ जो इंग्लिश में सीखना नहीं चाहते हैं या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि सीखना नहीं चाहते हैं लेकिन अपनी मातृभाषा में सीखने का एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग होता है और कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। उसके चलते मैंने कनाडा ऑडियंस को टारगेट करना शुरू किया और काफी अच्छे से अभी मेरा बिजनेस भी ग्रो हो रहा है और पूरा का पूरा सिस्टम मैंने बिल्ड कर लिया है। और कंसिस्टेंटली सिंस लास्ट दिस 2020 जनवरी में आई हैव मेड समवेयर अराउंड 2.8 लाख एंड फरवरी आई मेड 3.5 लाख। Okay, 3 lakh per month. So basically, how much you 4 lakh per? What is it like? Cost per lead आपका 5-10 rupees. Okay, so ROS कितना है आपका? ROS मतलब suppose ROS का मतलब advertise like return on advertising return spend. Return on ad spend. Okay, return on ad spend मेरा है अभी 3.5 के आसपास. Superb. That's brilliant. Actually brilliant. दोस्तों क्या अभी आपके business अब doesn't matter आप कोच है कंसल्टेंट है कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, क्या आपके पास ऐसा हो चुका है कि बहुत सारा ज्ञान है बहुत सारा स्किल्स है लेकिन कहां से चालू करें कहां पे फिनिश करें एंड यू आर इन द लूप होल? शेयर मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपके आपके बिजनेस के अंदर क्या डिफिकल्टीज है, क्या कितना कॉस्ट पर लीड है या लीड्स आ रहे कि नहीं है। दोस्तों 2023 में हम लोग और अभी तो मतलब मैं बोलता हूँ जो मतलब 90s में होता था 2000 मतलब 20 साल पहले यूएस में होता था वो अभी इंडिया में हो रहा है, फिर भी हम बहुत पीछे है, बहुत अभी फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो वीरेश जी एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि ये तो सब मैंने बताया सिस्टम रिजल्ट्स, हाउ एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू कि बिफोर आई टेल यू कि आप कैसे करते हो वेबिनार में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि सिस्टम्स क्या मिसिंग थे। आपने बताया मुझे बाय द वे कि क्या क्या आपने सीखा और कुछ बहुत सा ज्ञान तो था नहीं ऐसा नहीं लेकिन कहीं ना कहीं वो अलाइनमेंट इंप्लीमेंटेशन पे मिसिंग थिंग्स है एंड यू स्टार्टेड डूइंग दैट वन। तो बियॉन्ड दिस लाइक कोर्सेस एंड ट्रेनिंग आपको क्या लगा कि इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल जो है इसके अंदर क्या लगा कि अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ डू यू थिंक इट इज अ डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट लाइक स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट सर्विस और कोचिंग? ओके, इस कम्युनिटी में एक चीज मुझे खास लगा वो ये कि यहाँ पे सिर्फ जो इम्प्लीमेंटेड नॉलेज है इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज उसके अलावा माइंडसेट पे भी काम किया जाता है। और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पहले मुझे पैसे आए उसके बाद में मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ये सोच के चलते हैं कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ एड्स पे। नहीं, अगर आपको बिजनेस चाहिए तो पहले पैसे लगाने पड़ेंगे। ओके, पहले मैं भी डर डर के इन्वेस्ट करता था तो वो माइंडसेट क्लियर हो गया। तो उसके बाद से आज के डेट में मेरा एड स्पेंड है लगभग 85 to 1 lakh rupees per month का एड स्पेंड है मेरा। सुपर सुपर दोस्तों, तो देखो यहाँ पे ये कहा कि हाँ
माइंडसेट के इफ यू हैव एवरीथिंग स्किल सेट टूल सेट सब कुछ है, हालां आपका माइंडसेट एक्शन लेने के लिए तैयारी नहीं है, ना सीखने के लिए, ना इन्वेस्ट करने के लिए, ना रिस्क लेने के लिए. इफ देर इज नो रिस्क देर इज नो मनी, अंडरस्टैंड? ओके, तो आई थिंक दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ. जैसे आपने रिस्क लेके जॉब क्विट किया, मैंने भी किया था. ना जैसे रिस्क लेके मैं हफ्ते का 2 लाख 3 लाख लगाता हूँ, तब जाके 5 लाख 6 लाख बनता है, राइट? तो रिस्क तो लेना पड़ता है, राइट? बट मेजरेबल रिस्क कैसे, रिस्क कैसे लेना चाहिए, सोच के समझ के प्रेडिक्टेबल रिस्क लेना चाहिए. एक दिन में थोड़ी आपको 80,000 डालना है, आपको 800 रुपए लगा के टेस्ट करना चाहिए, 500 रुपए लगा के टेस्ट करना चाहिए. तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है. बजटिंग फॉर्मूला बताया वहां पे, इस अमेजिंग थिंग. नाउ दोस्तों, क्या आप भी अभी भी सोच रहे हो कि मतलब फायर नहीं डालेंगे और रिजल्ट आएगा, या फायर डाल रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा हो, क्या है आपका दिक्कत? थोड़ा हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करो. मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ आपके कमेंट पढ़ने के लिए. आप शेयर इन द कमेंट बॉक्स. वीरेश जी, थोड़ा सा हम थोड़ा टेक्निकल चीजों की बात करेंगे, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी, थोड़ा ब्रेन लेना चाहूंगा, क्या क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करो? पहले तो आपने देखा कि आपने वर्नाक्युलर लैंग्वेज में यूज करते हो, लोकल लैंग्वेज में ऐड करते हो, तो आपको ज्यादा रिस्पांस आ रहा है, अच्छा था. थोड़ा हमें बता दो कि फ्लो, थोड़ा बताओ कि आप व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन यू रन, कितना डेली बजट लगाते हो, प्लस उसके बाद में लीड्स आने के बाद हाउ डू यू लाइक कन्वर्ट देम इनटू सेल्स एज वेल. थोड़ा प्रोसेस बताओ मुझे. ओके, प्रोसेस बहुत सिंपल है जी. मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ, एक फनल रेडी है मेरा, और मैं लीड एड्स रन कर रहा हूँ. उसके बाद में मैं वेबिनार कंडक्ट करता हूँ, हफ्ते में 2 से 3 वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा हूँ. ऑन एन एवरेज मैं पर डे 2,000 रुपीज का एड स्पेंड के हिसाब से चल रहा हूँ अभी. ये सिर्फ मेरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ऑफरिंग पे है, ऐसे मेरे 2-3 है जिसके चलते मेरा टोटल एड स्पेंड हो जाता है अराउंड 1 लाख रुपीज. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है उसके ऊपर 2,000 रुपए का मेरा एड स्पेंड चल रहा है. And I'm getting enough leads to conduct the next webinar. So, जैसे webinar conduct करता हूँ, उसके बाद में बाकी का nurturing system मैंने automate करके रख चुका. Okay, so nurturing system automated होने की वजह से मुझे ज़्यादातर उस पर repetitive काम्स नहीं करने पड़ते, जिसकी वजह से मैं अपना core जो deliverable है उस पर मैं focus कर पाता हूँ. और अगर मैं मेरे success का secret अगर मैं reveal करना चाहूँ तो वो सिर्फ एक है, एक ऑटोमेशन, दूसरा मैं उतना देता हूँ जितना वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं. मैं ओवर डिलीवर. हाँ, मैं प्रॉमिस बहुत कम करता हूँ, लेकिन जब वो आते हैं तो वो खुद बोलना चाहिए कि सर अब बस मुझे इससे ज्यादा और नहीं सीखना है, तो उतना मैं डिलीवर कर देता हूँ. उसके चलते क्योंकि दुनिया में लोग पैसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं और दे कम रहे हैं, तो जो चीज FDP में भी मैंने देखा कि यहाँ पे जितना मिल रहा है अगर मैं सेम स्ट्रेटजी भी इंप्लीमेंट कर लू ना तो बहुत है. अगर कोई कॉम्पीट करना चाहे मेरे साथ इसके ऊपर, आई विल बी मोर देन हैप्पी. अगर मुझे मेरे साथ 100 लोग भी आ जाएंगे ना कि मैं आपको हरा दूंगा, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू लूज, क्योंकि दुनिया बहुत अच्छे एक बेहतर प्लेस बन जाएगी और बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिल जाएगी. यस. तो आप यूज कर, बेसिकली बाय द वे ही इज रनिंग फेसबुक एड, लैंडिंग पेज है, लीड फॉर्म एड, बेसिकली लीड जनरेट करते हैं एंड उनका कॉस्ट पर लीड बिलो 10 रुपीज है, राइट? So you get into the lead, then he do the Zoom webinar and convert with the best offer and products. लेकिन हम थोड़ा बात करेंगे, अभी मीठी मीठी बात सब लोग करते हैं, राइट? कि इतना रिजल्ट मिला, ये सब बढ़िया किया है. थोड़ा जरा हम डार्क साइड भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो there is a bright, there is a dark side also. तो आपने क्या लगता है कि हम थोड़ा दिल खुल के बात करेंगे यहाँ पे, दोस्तों क्या आप सुनना चाहेंगे? Hit the like button of videos here. हम थोड़ा सा डार्क साइड भी डिस्कस करेंगे कि आप देखते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, 3 करोड़ कमाया, 10 लाख 15 लाख हम बात करते हैं, लेकिन दोस्तों देयर इज अदर साइड एज वेल, और उसको जो सही तरीके से हैंडल करता है वो आगे बढ़ता है. तो इट्स नॉट अबाउट मीठी मीठी बातें ओनली, बट थोड़ा सा हम बताएंगे कि जब आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू किया, बिजनेस चालू किया, क्या क्या डिफिकल्टीज या क्या क्या मिस्टेक्स आपने किए, और यू लर्न द बिग लेसन फ्रॉम दैट, और जो हमारे व्यूअर्स है वो भी उससे कुछ सीखे, ऐसा कुछ शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा. ओके, सो जब मैंने शुरू किया था तब मेरा माइंडसेट यही था कि जितना कम पैसा मैं लगा सकता हूँ उतना मैं लगाऊँ, उसके बाद में जो आएगा उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, ये सोच के मैं चलता था. और इमीडिएट बेसिस पे मैं टूल्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि टूल्स का एक फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है और मैं सोचता था कि वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगा. व्हाट इफ अगर मैं बिजनेस जनरेट नहीं कर पाऊँ? तो सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस ये हो चुका है कि आज के डेट में मुझे ये कभी भी दिमाग में नहीं आता है कि व्हाट इफ मैं बिजनेस जनरेट नहीं कर पाऊंगा. आज के डेट में हमेशा दिमाग में यही रहता है कि मैं बिजनेस कैसे जनरेट करूं, इन्वेस्ट
कर रहा हूँ और बिजनेस कैसे जनरेट करूँ, इस माइंडसेट के साथ मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो डेफिनेटली इट इज हेल्पिंग मी टू जनरेट मोर एंड मोर बिजनेस मंथ ऑन मंथ। और जो बेसिक गलतियां मैं करता था कि मैं अकेला सब कुछ हैंडल करता था, एड्स भी मैं खुद रन करता था, जो जितने भी लीड्स आते थे सबको मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजता था, फॉलो अप कॉल करता था, बाद में वेबिनार कंडक्ट करता था। सिर्फ 2020 में मैंने 400 वेबिनार किया हुआ, 400 वेबिनार्स, मोर देन 410 वेबिनार्स मैंने सिर्फ एक साल में कंडक्ट किया है, वो भी फ्री। अगर एक भी बंदा आता है तो भी मैंने वेबिनार कंडक्ट किया है। सुपर। तो लोगों को ये एफर्ट नहीं दिखता है। सिर्फ लॉकडाउन में काफी सारे जोक्स आ गए कि आरजे पूछते थे कि ओके, आरजे को कोई कॉल लगा के पूछता था भाई वो लोग कहाँ है, तो आरजे पूछता था कौन लोग, वही जो घर पे बैठ के लाखों कमाते हैं, तो बहुत सारे लोग हंसने लगते थे। तो उनके लिए वो मजाक होगा लेकिन मेरे लिए वो हकीकत है। मैं बना रहा था घर पे बैठ के और कोई यकीन नहीं कर पा रहा था अकेला। यस 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 एंड देयर आर नॉट ओनली यू और मी, इंडिया के अंदर तो अभी रिवॉल्यूशन चालू हुआ है, सिद्धार्थ का कम्युनिटी, बाकी कम्युनिटी, हजारों लोग हैं, हजारों लोग, नॉट यू और मी ओनली, और करोड़ों भी कमा रहे हैं, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। तो दोस्तों द फर्स्ट थिंग, बिगेस्ट मिस्टेक की भैया, डोंट बी चीप ऑन योर जर्नी टू ग्रेटनेस। कभी कभी दिल खोल के काम करना पड़ता है, फायर डालना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है। बंदे ने 400 वेबिनार, मतलब नॉट अ जोक। कुछ लोग दो वेबिनार करके गिव अप कर देते कि भैया मेरे को लीड नहीं आया, सेल नहीं आया, गुड, ये मेरी काम की चीज नहीं है। आई डन 20+ वेबिनार विद 0 सेल, बट आई नेवर गिव अप। नाउ आई क्लोज 20-30-40 इन द वन वेबिनार इटसेल्फ, वो अलग बात है। लेकिन ये हर किसी का जर्नी होता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, बी कंसिस्टेंट, टेक सम मैसिव एक्शन। तो विरे जी, थोड़ा सा मैं आपकी बिजनेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, भाई वैसे बताया है आपने, लेकिन क्या आप लोग तो जो व्यूअर्स है, डू यू थिंक इंडिया में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है, कोचेस है, कंसल्टेंट्स है, ई-कॉमर्स है, कि दे शुड चेक आउट जो इंटरनेट ट्रैफिक गुरु, व्हाई डू यू थिंक दे शुड चेक आउट एटलीस्ट की व्हाट इज इट एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ चैलेंज एक्चुअली, नॉट सरफेस लेवल। सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर दिस व्यूअर्स? ओके, बेसिकली दत्ता जी, सबसे पहले मैं फिर से माइंडसेट के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर कोई भी, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली एक बार दत्ता जी के लैंड पेज पर जाइए या फिर वेबिनार अटेंड कीजिए। आपको लगता होगा कि वेबिनार अटेंड करने के लिए मुझे 100 रुपये डालना पड़ेगा या 500 रुपये डालना पड़ेगा, उसके बाद में ये अपना कोर्स सेल करेंगे। एक्चुअली ये कोर्स सेल करके आपके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, सबसे पहले ये जान लो, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, ये ऐसे ही फुकट में किसी को मिलने वाला नहीं है। और अगर लेना भी चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन इतना इनडेप्थ नॉलेज आपको नहीं मिलने वाला, इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज नहीं मिलने वाला। और बिना कुछ इन्वेस्ट किए अगर आप कुछ, जितना दोगे उतना ही पाओगे, लेकिन यहाँ पे जितना दोगे उससे ज्यादा पा रहे हो, 10 गुना। तो 10 गुना। कई सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं, ऐसे कई सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर जर्नी में होंगे और दत्ता जी से भी ज्यादा कमा रहे होंगे, if I'm not wrong. Absolutely, मेरे स्टूडेंट है भैया, मेरा स्टूडेंट, मेरे खुद के स्टूडेंट है, 10 गुना मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं। Absolutely, I'm happy for that one. और मेरा टारगेट है, अभी मैं अर्निंग में आपको बीट करने वाला हूँ। Absolutely, you are welcome, buddy. देखो, मैं तो खुश हूँ कि मेरे क्लाइंट स्टूडेंट मेरे से 100 गुना कमाए। आपका सक्सेस मेरा सक्सेस भाई। गाइस चेक आउट मोर डिटेल्स नाउ। दोस्तों थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, इन केस यू वांट टू चेक आउट मोर, लर्न मोर अबाउट कि वीरेश जी क्या कर रहे हैं, what is his webinar program, product, services, so how people can connect with, what's your website, social media handles, let us know a little about, pura link main description mein dene wala hu, you can check out his work, explore, connect with him as well. Yeah, so can you tell us about kya social media handles hai aapke? Okay datta ji, main majorly active hu Instagram aur Facebook pe, kyunki mere target audience jo hai wo Karnataka se belong karte hain. Kannada language mein main I am a digital career coach, jiska bhi koi bhi passion hai उसको मैं ऑनलाइन पे कैसे पैसे बनाना है ये सिखा रहा हूँ। अगर कोई जॉब में स्ट्रगल कर रहा है तो उसको मैं कैसे एक सेफ एग्जिट कैसे लेना है विदाउट क्विटिंग व्हाट यू आर डूइंग, हाउ टू प्लान फॉर योर सेफ एग्जिट, तो एक कंसिस्टेंट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करके उसके बाद में वहां से निकलना कैसा है ये सिखा रहा हूँ। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स जो कन्नड़ा लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, उनको मैं कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेके वेबसाइट डिजाइनिंग से लेके पूरा का पूरा डिजिटल स्पेस पे उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो मैं कर रहा हूं। सुपर सुपर सुपर। दोस्तों लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, पूरे लिंक्स में शेयर करने वाला हूं, गो एंड एक्सप्लोर अबाउट दिस पार्ट। दोस्तों आई एम आस्किंग अबाउट, ये 2023 में इंटरव्यू ले रहा हूं यहां पे, आप भी आपके बिजनेस के अंदर 10 गुना लीड, सेल्स,
टोटल बिजनेस मेकओवर चाहते हैं, नॉट ओनली फेसबुक और एडवर्टाइजिंग, इट्स लाइक ये तो एक पार्ट है उसका, लेकिन जबरदस्त ऑफर एंड देन गेटिंग कस्टमर, कन्वर्टिंग देम इनटू सेल्स, और आपका बिजनेस आप 2023-24 जब भी आप वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट ईयर्स एंड व्हेनेवर यू वांट टू जस्ट स्काई रॉकेट, डोंट वेट, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चेक आउट अपकमिंग वर्कशॉप वेबिनार, इनकेस आपने ऑलरेडी वेबिनार अटेंड किया है, टॉक टू माय टीम, ईमेल मी एट support@datatulla.com, डिस्कस मोर डिटेल्स, स्टार्ट योर जर्नी टुडे, एंड इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल बटन, लाइक दिस वीडियो सो दैट मैं बहुत सारे वीडियो आपको शेयर करूंगा, एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट्स, आप थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इनकेस यू आर वॉचिंग स्टिल नाउ, शेयर योर समरी बिलो, हमने जो डिस्कस किया यहाँ पे, वॉज दिस इंस्पायरिंग, व्हाट्स योर बिगेस्ट टेक अवे, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आप कौन से बिजनेस में, कौन से लाइक टॉपिक पे वीडियो में आप एक्सपेक्ट करते हो, शेयर इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट फॉर दैट वन, दोस्तों अंटिल देन साइनिंग अप फॉर टुडे, विरेश जी धन्यवाद फॉर बीइंग हियर, जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टार्ट योर जर्नी एंड टेक मोर एक्शन, थैंक यू।